नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज फिर मैं आपके साथ एक और नए विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। मेरे YouTube के कमेंट बॉक्स में आई हुए मैसेज का मैं जवाब देना चाहूँगा। मेरे पास जो मैसेज आया है वो है संजय खरे जी का। इन्होंने लिखा है, मेरे घर में अटैच लैट बाथ बेडरूम से है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में है, क्या ये सही है या नहीं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आपका टॉयलेट बाथरूम आता है तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपने यहाँ पर ध्यान रखना है, जो आपका टॉयलेट बाथरूम वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में बनता है, इसका फ्लोर लेवल आपके रूम के फ्लोर लेवल के बराबर होना चाहिए, ऊँचा नहीं होना चाहिए। इस बात का आपने ख़ासतौर पर ध्यान रखना है। इसी के साथ जब आप यहाँ पर अपना बाथरूम बनाएं या अपने बाथरूम को रेनोवेट करें, तो बाथरूम के अंदर वाइट कलर, ग्रे कलर, सिल्वर कलर की टाइल्स लगवानी चाहिए। आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो इस बाथरूम में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपका बाथरूम वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में बनता है, ये बाथरूम बिल्कुल सही है। मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको सही लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के फेसबुक ग्रुप पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर करें, क्योंकि मैं भी कोशिश करता हूं कि मेरे YouTube के कमेंट बॉक्स में आए हुए मैसेज का मैं आपको रिप्लाई जरूर दूं। आप अपनी किसी भी साइट के प्रति हमारे यहां से ऑनलाइन सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमारे यहां से ऑनलाइन सलाह भी ले सकते हैं, और आप अपनी किसी भी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहां से मैप भी बनवा सकते हैं। आप अपनी किसी भी साइट के प्रति हमसे ऑनलाइन सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमसे ऑनलाइन सलाह भी ले सकते हैं, और आप अपनी किसी भी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहां से वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप भी बनवा सकते हैं। आप हमें साइट विजिट के लिए इन्वाइट करना चाहते हैं तो आप हमें साइट विजिट के लिए भी इन्वाइट कर सकते हैं। आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं या आप अपने घर को रेनोवेट करने जा रहे हैं या आप अपनी नई फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं, तो आप हमारी पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो मंगवा सकते हैं। हमारी यह पुस्तक आपकी बिल्डिंग को वास्तु दोष मुक्त बनाने में सहायक जरूर होगी। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।